जयपुर में गार्गी अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। शिक्षा विभाग की ओर से राज्य स्तरीय ये कार्यक्रम है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रतिभावान बालिकाओं का यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ प्रतिभावान छात्राओं को सम्मानित करेंगे, उन्हें पुरस्कार देंगे। इंदिरा गांधी पंचायती राज सभागार में इस वक्त ये कार्यक्रम हो रहा है और बच्चियां यहाँ पर सांस्कृतिक प्रस्तुति दे रही। तो सीधी तस्वीर आप जयपुर से देख रहे हैं, गार्गी अवार्ड समारोह की सीधी तस्वीरें। शिक्षा विभाग की ओर से राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मौजूदगी शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की है। प्रतिभावान बालिकाओं का यह सम्मान समारोह है जिन्हें शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पुरस्कृत करेंगे। इंदिरा गांधी पंचायती राज सभागार में इस वक्त के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें, यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन भी किए गए हैं। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां यहाँ पर छोटी छोटी बालिकाएं दे रही हैं। सीधी कर देते हैं जितनी अच्छी परफॉर्मेंस सामान्य बच्चे भी नहीं कर पाते कई बार, इसलिए हम एक बार जोरदार तालियों से इन बच्चियों का स्वागत करें। राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रांत है जहां पर रेत बालू मिट्टी एक कविता है। मातृभूमि की रेत को हम सिर पर लगाते हैं। कला जहां का सौंदर्य है, प्रकृति जहां का आभूषण है। हर कण कण में यहां पर हम भगवान को मानकर चलते हैं। वीरता यहां की एक रीति है और अतिथि सत्कार हमारी एक परंपरा। जब अतिथि सत्कार की बात आती है तो अतिथि सत्कार हमारे संस्कृति का एक वो हिस्सा है कि जिसके बिना हम चैन से नहीं रहते। और अतिथि सत्कार जब हम करते हैं तो उसमें एक उल्लास की अनुभूति होती है। आदरणीय, मैं आपको पहले भी एक बहुत अच्छी सी बात बता चुका कि आज के दिन कुछ भी प्राप्त करना मां शारदे का वरदान ही माना जाता है। अतिथि भी उपकृत होते हैं आज के दिन जब उनका सम्मान किया जाता है। और वो इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि मैं आपको बता चुका कि आज वसंत पंचमी यानी 16 तारीख को रवि योग भी है, अमृत सिद्धि योग भी है और चतुष्ट ग्रही योग भी। जब इस तरह के योग एक साथ बनते हैं और ऐसे अवसरों पर किसी को सम्मानित किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है, तो कहीं ना कहीं मां शारदे की उन लोगों पर बहुत बड़ी कृपा होती है। आज हमारे अतिथियों पर भी मां रानी माता की, मां शारदे की बहुत बड़ी कृपा है कि इस अवसर पर आज वो मौजूद हैं। जब हम राज्य स्तरीय बालिका पुरस्कार समारोह का यहां पर आयोजन कर रहे हैं स्टेट राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की तरफ से, हम हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब का पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका एक स्वागत करेंगे। एक नवांकुर उनको दिया जा रहा है। हमने नवांकुर की परिभाषा इसलिए गढ़ी, नवांकुर को इसलिए हमने देना शुरू किया कि नवांकुर ही आगे जाके बड़े अंकुरण में होता है और उसी से वृक्ष बनता है, उसी में फूल खिलते हैं, उसी में वसंत आता है। और महेश कुमार वाधवानी से आग्रह करते हैं जो कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन के सचिव हैं, उन्हें मनावांग को भेंट कर सम्मानित करें। प्रमुख छात्र सचिव स्कूल शिक्षा आदरणीय श्रीमती अपर्णा अरोरा जी हमारे बीच में हैं। उपनिदेशक राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल अजय कुमार वाजपेयी जी से आग्रह करेंगे कि वे आए और उन्हें नवांकुर भेंट करके उनका स्वागत करें। आप सभी तालियों से हमारे अतिथियों का स्वागत करें। मंच पर एसपीडी सर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद डॉक्टर भवनलाल जी हमारे बीच में विराजमान है। उप सचिव तेजपाल गोंड जी से आग्रह करते हैं कि वे नवांकुर उन्हें भेंट कर उनका भी सम्मान करें। मंच पर श्रीमती मंजू जी निदेशक राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल विराजमान है। निर्मला सिंह जी जो कि सहायक निदेशक हैं उनसे आग्रह करते हैं।